एक तो हमारी ये जो उम्र है ना, ये जो उम्र है 18 के बाद जहाँ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और सारा प्यार इश्क मोहब्बत पढ़ाई लिखाई करियर जिम्मेदारियां इसी में आपको सब कुछ करना होता है, तो यार ये तो बड़ा बहुत मुश्किल टॉपिक है। एक बच्चे ने मुझे भेजा भी है, मूव ऑन कैसे करे, हाल ही में भाई का ब्रेकअप हुआ है, मुझे तो इसमें कुछ गलत दिख ही नहीं रहा है। अच्छा है ना, तुमने नहीं दिया मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है, किसी और ने दिया ठीक है, ये इस बात को दर्शाता है कि तुम एक सच्चे इंसान हो, तुमने किसी को धोखा नहीं दिया है ना, तुमने दिया होता तो मैं तुम्हें डांट, तो नहीं दिया है ये अच्छे इंसान की निशानी है। और जैसा मैंने कहा कि यही जीवन के अनुभव है, ये सब चीजें आपकी इसी जिंदगी में होनी है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक आपको रिसर्च बताता हूँ मैं, कितनी लाल रंग की गाड़ियां दिखी तो आप सोच में पड़ जाओगे, ठीक है, पर अब मैं कहूंगा कि आज ध्यान देना, तो आप शाम को मुझे गिन के बताओगे कि सर आज मुझे लाल रंग की लगभग 45 चीजें दिखी। क्यों दिखी? क्योंकि आज आपके दिमाग में बस यही चल रहा था कि लाल रंग कहीं भी दिखेगा तो मुझे गिनना है और सर को बताना है। इसको रेड कलर थ्योरी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस चीज पे ध्यान देते हो ना, आपको वही दिखता है, ठीक है, आप जिस लक्ष्य को दिमाग में लेकर चलोगे वही आपको दिखेगा और वही आपके साथ होगा। आपके मन में भटकाव होगा, आपका मन इधर जाएगा, तो और ये सब होता है, आप चाह के भी नहीं रोक पाते हो कई बार, है ना, क्योंकि एज ही ऐसी है, जो हमारे अंदर जो इंटरनल चेंजेस है वो है ही ऐसे कि आप उस तरफ खिंचाएंगे। या तो भाई उसमें डूब जाओ, और अगर बैलेंस बना सकते हो तो भी है। किसी मूवी में देखा कि उसको कोई ऐसा साथी मिल गया जिस कारण वो सफल हो गया, फिर किसी मूवी में देखा कि वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसका साथी वैसा था। तो हम जीवन भर इसी टेंशन में रहते हैं कि करना क्या है, कोई हो कि ना हो, होने से फायदा मिलेगा कि होने से मैं फेल हो जाऊंगा। तो हम ना अक्सर इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, हमें लगता है कि यार होना चाहिए, तो हम सोचते हैं होना चाहिए। मैं आपको हर चीज में एक ही बात बोल रहा हूँ, अपने आप को जानिए, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जीवन एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत छोटी है। जो बोलता है ना कि 100 साल बहुत होते हैं, मुझे आज समझ में आता है कि 100 साल कुछ नहीं है, ये यूं निकल जाने हैं। जिंदगी इतनी बड़ी है, सीखने को इतना कुछ है, सबक लेने को इतना कुछ है कि 100 साल भी कम है। मैं बोलता हूँ 1000 साल भी इंसान जिए ना, तब भी वो 1000 साल बाद जीने के बाद भी बोले कि साला आज तक सीख रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है ये जीवन में। जिंदगी इतनी बड़ी है कि सीखने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। बेटर है कि हम दूसरों के अनुभव से सीखें, बेटर है अपनी दिल की सुने, बेटर है कि हम हमेशा एक सीक्वेंस में चलें। बुरा कुछ नहीं है, आपको हमेशा ये तय करना है कि मेरे लिए आज जरूरी क्या है। मेरे माता पिता मेरे लिए जरूरी है, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना मेरे लिए जरूरी है, मुझे सेटल होना जरूरी है, मुझे अपने भाई बहनों की शादी करनी है, मुझे एक अच्छा घर बनाना है। आपको क्या जरूरत है आप वही हासिल करो। आप ये तय करो कि आपको जीवन में क्या चाहिए और उसके पीछे फिर लग जाओ, क्योंकि कोई भी चीज बुरी नहीं है, हर चीज अच्छी है और हर चीज बुरी है। मैं बोलता हूँ ना कि चाकू अच्छा भी है बुरा भी है। आप सब्जी काटोगे तो अच्छा है, गला काटोगे तो बेकार है। इसमें चाकू कहाँ गलत हुआ, चलाने वाला गलत हुआ ना, या चलाने वाला अच्छा हुआ, कोई भी चीज बेकार नहीं है। हमेशा व्यक्ति को हर समय पे ये तय करना पड़ता है कि उसके लिए आज जरूरी क्या है। अगर उसके लिए करियर जरूरी है तो चाहकर भी उसे दूसरी तरह जो भटकाव है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ हो, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप माने या ना माने, डिस्टर्बेंस तो होता है, व्यक्ति भटकता तो है। कई बार होता है कि ना करके व्यक्ति 2 साल खराब कर लेता है। मैं बोलता हूँ कि अगर तुम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो खुद को, तुम नहीं रोक पा रहे हो अपने को, तो कूद पड़ो इस प्यार की दुनिया में। 4-6 महीने, मतलब 4-6 महीने भी मुझे लगता है कि आजकल ज्यादा है, उससे कम में ही तुम सीख जाओगे कि ये सब मोह माया है, सब बेकार की बातें हैं, इनके चक्कर में ना पड़ते तो ही बेहतर होता। लेकिन भाई वो दिमाग से हटा तो अब 2 महीने खराब होंगे, 3 महीने खराब होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम एक लाइफ टाइम के लिए सबक सीख जाओगे। या तो तुम्हें बहुत अच्छा ही इंसान मिल जाएगा, या तो तुम्हारा अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, या तुम्हारा अनुभव इतना बेकार हो जाएगा, रास्ते पर तो आ जाओगे, दिमाग से भटकाओ तो खत्म हो जाएगा। तो कर लो, मैं छूट देता हूँ मेरी तरफ से आपको कि भाई नहीं रोक पा रहे हो, खुद पड़ो इस दुनिया में, इसका आनंद ले लो। 2-4 महीने में अकल ठिकाने आ जाएगी, 2-4 महीने में समझ में आ जाएगा, और फिर उससे बाहर निकल, फिर व्यक्ति ढूंढता है कि इससे बाहर कैसे निकले, पहले ढूंढता है कैसे ये मिले, फिर निकलता है इससे बाहर कैसे निकले।